February this year, we wrote letters to Ministry of Home Affairs and Ministry of Electronics and Information Technology, requesting them to ban BGMI. We also provided them with the facts that earlier banned PUBG and the new avatar BGMI were the same. We are glad that Government of India has recognized the facts and banned BGMI today. We also wrote an open letter to Mr. Poonima, the founder of Tencent Holdings, asking him pointed questions about the antecedent and covert linkages between Tencent Holding and Grafton. Grafton is the face of BGMI in India. But there was no reply. Anyhow, we are thankful and grateful to Government of India for taking this decision of banning BGMI in the interest of national security. We also thank Swadeshi Jagraman for standing by us and supporting the cause. तो अभी आप लोग जो वीडियो देखे ये एकदम रियल था, जिसमें यहाँ पे एक प्रखर एनजीओ के जो प्रेसिडेंट है वो उन्होंने हमें बताया कि वो गवर्नमेंट को फरवरी में ही बैन करने के लिए नोटिस दिए थे कि बीजीएमआई को बैन किया जाए, क्योंकि बीजीएमआई पबजी का ही दूसरा रूप है, मतलब कंप्लीट कॉपी है, और ये हम लोगों को भी पता है। अभी भी गाइस गेम में बहुत जगह है जहाँ पे हम लोग को पबजी का बैनर देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों देखने को मिलता है, तो पबजी का पूरा कॉपी है, इसलिए हमें भाई वो लोग बैन करने के लिए सजेस्ट किए, और वो फरवरी में ही वो लोग किए थे। बट फाइनली अभी यहाँ पे गाइस गवर्नमेंट डिसीजन ले ली है, और उन्होंने टेंसेंट से भी कांटेक्ट करने का ट्राई किया था, पर टेंसेंट वालों ने यहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया, मतलब कुछ पूछना चाहते होंगे सिक्योरिटी के कारण, तो यहाँ पे भाई वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए। और अभी गाइस गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन ले ली है कि हम लोग का अंडर सेक्शन 69A के द्वारा बीजीएमआई को ब्लॉक कर दिया गया है। अभी यह परमानेंट बैन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर परमानेंट बैन हो जाता तो हम लोग का जो सर्वर डाउन है, फिर पिंग इशू, गेम चलना बंद, सब हो जाता भाई स्टार्ट। लेकिन अभी गेम चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है, तो इसलिए अभी गेम परमानेंट बैन नहीं हुआ है। बट यहाँ पे गाइस बोलो कुछ दिन का टाइम दिया है, मतलब अभी ब्लॉक कर दिए, कुछ दिन में गाइस बोलो यहाँ पे डिसीजन ले लेंगे कि बीजीएमआई को बैन किया जाए परमानेंट या नहीं किया जाए, तो वो गाइस जल्दी ही आ जाएगा नोटिस, भाई यहाँ पे वेट करते हैं। और ज्यादा चांस है कि बीजीएमआई बैन ही होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे पिछले वाली पबजी भी ऐसा ही हुआ था, फ्री फायर भी ऐसा ही हुआ था, तो देखते हैं यार क्या होता है। होप करते कि हाँ बीजीएमआई बच जाए और क्राफ्टन कुछ प्रूफ कर दे कि भाई बीजीएमआई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब सब सिक्योर है, देखते हैं क्या होता है। और भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग तो एक रूमर फैला रहे हैं कि इलॉन मस्क ने यहाँ पे एक ट्वीट किया है, जिसमें वो बोला कि यहाँ पे वो क्राफ्टन को बाइक कर लेंगे बीजीएमआई को लाने के लिए। भाई ये सब फेक न्यूज़ है, बहुत सारे कमेंट भाई खुश हो रहे कि अरे वाह 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 भाई ये एडिटेड है यार, मतलब इलॉन मस्क को क्या मतलब भाई गेम से। और अगर भाई यहाँ पे वो परचेज भी कर लेगा, खरीद लिया क्राफ्टन को, तो भाई वो ला नहीं सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे एक सिक्योरिटी रीजन के कारण गेम को बैन किया गया है, ना कि क्राफ्टन के कारण। तो इसलिए भाई यहाँ पे क्राफ्टन या कुछ इलॉन मस्क भी कुछ नहीं कर सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानी तो। तो इसलिए अभी आप लोग फालतू का कुछ मत सोचो और इंतजार करो यहाँ पे अनाउंसमेंट का। और एक और बात कि अगर हम लोग का बीजीएमआई बैन हो जाता है तो क्या हम लोग पबजी के अंदर अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आप लोगों को पता होगा जो हम लोग का बीजीएमआई जब लॉन्च हुआ था, तो हम लोग डेटा ट्रांसफर किए थे पबजी से, तो उस टाइम का इसलिए हुआ था क्योंकि पबजी टेंसेंट का गेम था, उसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, इसलिए वो लोग यहाँ पे गए दूसरा गेम बनाया इंडियन गेम, और इसमें हम लोग को डेटा ट्रांसफर कर दिए। तो इस बार का अगर मान लेते कि बीजीएमआई मान लेते हैं बैन हो गया, अनाउंसमेंट आ गया, तो उसके बाद जो हम लोग का गेम है वो चलना बंद हो जाएगा, सर्वर डाउन, और जो अकाउंट है वो इसी में रह जाएगा, इसके बाद ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये इंडियन गेम ही था, हम लोग के लिए गेम था, तो भाई यहाँ पे इसमें भी कुछ रीज़न कारण बैन किया गया है, तो यहाँ पे भाई जो अकाउंट है वो इसी में रह जाएगा। अब अगर फ्यूचर में, अभी मैं बैन हुआ नहीं अभी तक गाइस, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है गाइस कि फ्यूचर में क्राफ्टन दो कोई दूसरा गेम बनाए जो कि भाई डिफरेंट होगा, जैसे कि हम लोग का जो आपको पता है गेम फॉर पीस है वो पबजी से बहुत डिफरेंट है, तो हो सकता है, अभी मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे क्राफ्टन वाले भी पगला जाएंगे, देखो भाई दोबारा ट्राई करेंगे, भाई एक बार ऑलरेडी बैन हो चुका है, एक बार ट्राई किए थे बीजीएमआई लाए, अगर फिर भी बैन होता है तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, बोलो चाहे तो यहाँ पे फिर से गेम बना सकते हैं कोई दूसरा गेम इंडिया के लिए, या फिर वो लोग छोड़ भी सकते हैं। अभी यहाँ पे भाई देखते हैं, बैन तो पूरा हुआ नहीं है, तो भाई यहाँ पे होप करते हैं कि बीजीएमआई बच जाए, लेकिन चांस थोड़ा कम है। अब जो है सो है भाई, यहाँ पे मैं फालतू का होप नहीं दूंगा आप लोगों को कि भाई बैन अनबैन हो गया अनबैन हो गया, वैसे कुछ नहीं है, देखते हैं यार क्या होता है, अभी तक यहाँ पे कन्फर्म नहीं हुआ है। तो चलो यार आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो मुझे बताना था कि जो हम लोग का प्रखर एनजीओ है वो एक न्यूज़ आया था और डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, और जो इलॉन मस्क का न्यूज़ है भाई वो फेक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।